पूरी दुनिया कोरोना का दंश झेल रही है। विश्व के कुछ देशों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। भारत में भी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार कोरोना के चलते देश के बिगड़ते हालातों को लेकर आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है। वहीं कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीब और वंचित तबके को हो रही असुविधा, उनके खाने की व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदम पर सीएम गहलोत से फीडबैक लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़े, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ये भरोसा दिलाया कि कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। संकट की इस घड़ी में दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन करने वाले कामगारों, खेतीहर मजदूरों, निर्माण श्रमिकों सहित सभी मजदूर मंदों को राशन एवं भोजन सामग्री पहुंचाने में सरकार कोई परेशानी नहीं आने देगी। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे कम्युनिटी में इस वायरस के ट्रांसफर को रोका जा सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री मौजूद थे। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासित चारों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर गरीबों और समाज के पिछड़े लोगों की अधिक से अधिक मदद के लिए दबाव बनाएंगे। बता दें कि सीएम गहलोत राजस्थान के लिए 2000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर जिले में वॉर रूम भी स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 45 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से गुरुवार को भीलवाड़ा में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई।